मोदी सरकार जो बोला हम दुगुना आय करेंगे, क्या अभी तक जनधन योजना में अकाउंट में हम पैसा देंगे दिलाया अभी तक? जब वो अपना पत्नी को नहीं चला सका तो देश के क्या चलाए? जो जीतेगा वही सिकंदर होगा, तो उसमें हम क्या कर सकते? जो काम क्या है मोदी, एक को काम ठीक नहीं है, किसी को कुछ नहीं दिया कि लालटेन चलेगा। आप बोलते हैं लालटेन क्या है, सुंदर समझे, कोई समस्या नहीं, रोड का समस्या है, बिजली का समस्या है कि मोदी समस्या है, इसलिए कि गरीब का विकास कर रहा है, इसलिए वो समस्या है। अभी 5 किलो चावल लेकर आता है, साल में उठाता है वो 6000 टका, तब जाता है चौठा लगाने के लिए, तभी मोदी खराब नहीं होता है, नहीं तो ऐसे मोदी खराब होता है। स्कूल में क्या देता है? चावल देता है 4 साल का सारा हुआ बच्चा खाता बीमार होता। कोटा में जो चावल देते हैं 5 किलो का लिख के दिया, वहाँ 4 किलो देता है क्या? तो बोलते नहीं आप, तो आप उसका, जब सरकारें चोर है तो पब्लिक क्या करेगा? हम बोलेंगे तो हमको 5 किलो दे देगा, वो बच्चा उसको मुंह बोली ना उसको नहीं देगा। नमस्कार दोस्तों, मैं रविकांत शर्मा और अभी आप देख रहे प्रमुख भारत। और इस वक्त हम मौजूद है सहरसा जिला के पामा हाट में और आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ बुजुर्ग व्यक्ति है, इनसे बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे आखिर किन किन समस्याओं पे और इस बार जो है चुनावी मुद्दा क्या रहेगा। पास में आ जाओ। क्या नाम है बाबा आपका? हमारा जोगिंदर मुखिया नाम। जोगिंदर मुखिया, अच्छा। अभी जो है वर्तमान के जो एमपी हैं, आप लोग संतुष्ट हैं कि नहीं उनके कामकाज से? सब संतुष्ट है, हम लोग संतुष्ट है। अच्छा, क्या काम किए हैं? संतुष्ट है पूरा एकदम? काम कुछ भी नहीं हमको किए हैं, तो काम कुछ भी नहीं किया फिर भी संतुष्ट है? अच्छा अच्छा बाबा, हम ये जानना चाहते हैं कि इस बार चुनावी मुद्दा क्या रहेगा, क्या चुनावी मुद्दा रहेगा, क्या चीज को आप मुद्दा बनाए हैं? अब जो मुद्दा मन होगा सबको तो वही चुनाव होगा। अच्छा बाबा, एक बात बताइए, आपके गांव में, आपके पंचायत में या आपके जिला में खास करके किस चीज की समस्या होती है सबसे, जो ज्यादा समस्या, जो जनमीन समस्या होती है, क्या समस्या होती है खास करके? उन लोग को बुलाइए, हम लोग को काहे के? नहीं नहीं काहे नहीं, देखिए अपना हक होता है, ठीक है, हर एक बात को रख सकते हैं। अरे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एकदम बेझिझक बताइए। गरीब आदमी है, कोई नहीं देखता है, कोई नहीं देखता है? अच्छा, गरीब को कौन देखता है भाई? क्या बोले बाबा? गरीब को कौन देखता है? ये तो की कहे छे, सब अमीरे अमीर खाता है, जो चीज मिलता है सब चीज अमीरों को देता है, गरीब को कौन देखता है? गरीब को कोई नहीं देखता, कोई नहीं देखता है। सिर्फ चुनाव के टाइम में आते हैं, वोट मांगते हैं, चले जाते हैं, बस यही बात है। अच्छा अच्छा, आपके गांव में सड़क, जो नल जल, जो भी योजना है, उनका आप लोग लाभ उठा पाते हैं? नहीं नहीं उठाता। अच्छा एक बार इस मतलब कि चुनावी मुद्दा क्या बनाए, क्या चुनाव का क्या मुद्दा रहेगा? मुद्दा जो होगा होगा, जो जैसा सबको समस्या होगा वैसा होगा, ऐसा तो नहीं। अच्छा बाबा, आप लोग जो वोट करते हैं, वोट देने के लिए जाते हैं, किस चीज को देखते हैं? पार्टी को देख के वोट करते हैं या एमपी को देख के वोट करते हैं, कैसे क्या वोट करते हैं? वोट करते हैं, देखते हैं जिधर वोट पूरा होता है उधर दे देते हैं, जो जीतने वाला होता है उसी को वोट दे दो। कांग्रेस अगर जीतने वाला है तो कांग्रेस को वोट दे दो, अगर बीजेपी जीतने वाला है तो बीजेपी को वोट दे दो। हाँ वही होगा। अच्छा वही होगा। चलिए बगल में जो है, अच्छा एक भैया साहब है, उनसे बातचीत करने का हम प्रयास करें। क्या नाम है? इधर 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 घूम जाइए। क्या नाम है आपका? हमारा अनिल कामते। अनिल कामते। अनिल कामते, हाँ। यही के रहने वाले हैं? हाँ। क्या करने के लिए है? सौदा साग करने के लिए। सौदा साग करने के लिए, हाँ। अच्छा एक बात बताइए, अभी लोकसभा चुनाव जो है मधेपुरा लोकसभा में होने वाला है, तो क्या सोचे हैं इस बार चुनाव को लेकर के? जो जीतेगा और जीतने वाला होगा उसे वोट दे, वो जीतेगा उसी को दे देना। हाँ बस। अच्छा आप यहाँ से, इस चौक से कितना दूरी पे घर है आपका? लगे है, बगले में है। बगले। अच्छा रोड सड़क नली गली जो भी सब समस्या, कोई चीज की समस्या नहीं होती है ना? नया अभी नहीं बन ले, बन जेते कंटा बच गए। हाँ। अच्छा, मुखिया सरपंच काम करते हैं? हाँ। अच्छा जो अभी वर्तमान के प्रधानमंत्री, उनका काम काज कैसा लगा आप लोगों को? बढ़िया छे, अपन करे छे काम, काम अच्छा करते हैं। हाँ। अच्छा कितना संतुष्ट है आप लोग? 50% संतुष्ट है या 100% संतुष्ट है या बिल्कुल नहीं है? नहीं, जितना करलके मुखिया बढ़िया कर रहा है। अभी जो है, जो अभी लोकसभा चुनाव हो रहा है, जो मुखिया है तो मुखिया कर ही रहा है, लेकिन जो हमारा प्रधानमंत्री है, जिसको आप वोट देकर के प्रधानमंत्री बनाते हैं, उनके काम काज से आप लोग संतुष्ट है कि नहीं? हमको भाई बताए नहीं। अरे नहीं नहीं बता नहीं समझे, देखिए होता है क्या, आप लोग वोट देते हैं, एक एक वोट देते हैं तभी कोई इंसान चुनाव हो, चाहे मुखिया हो, सरपंच हो, चाहे विधायक हो, चाहे एमपी हो, चाहे कोई हो,
हाँ चुन लेता है। अच्छा, जो अभी अभी वर्तमान के यहाँ के जो एमपी हैं, चाहे यहाँ के जो आरजेडी से हैं, जो इनको टिकट मिला, जो जेडीयू से हैं, उनको जो टिकट मिला है, वो लोग यहाँ पे आए हैं घूमने के लिए? नहीं, कोई ना आया। अच्छा, आपके पंचायत में, चाहे आपके गाँव में, चाहे आपके जिला में, चाहे पूरे बिहार में, मेन समस्या क्या है, क्या चीज समस्या है? अभी समस्या ही है, नाला लगे, पानी का दिक्कत है। पानी का दिक्कत? हाँ, नाला नहीं बना है। मतलब कि नाला नहीं बना है? उसे नहीं बना, और कुछ होते। अच्छा, आई नाला बन जाएगा ना, गरीब आदमी। अच्छा, इस बार किसको वोट देना है? आप तो वोट बोले, जो जीत जाएगा उन्हें निकाल देंगे। बस ये देख सकते हैं, हालांकि इस गाँव में है, सुदूर देहात में है, बहुत कम ऐसे व्यक्ति है जो की अपना मतलब की बात रखना चाहते है। क्या नाम है? इधर इधर इधर, क्या नाम है आपका? यहाँ पे, यहाँ के नहीं, मेहमान है यहाँ। कहीं के रहने वाले हैं? कहाँ के रहने वाले? बोलिए ना। मधेपुरा लोकसभा के ही रहने वाले? हाँ, बोलिए ना। अच्छा, क्या? नहीं, काम नहीं, मतलब कि हम वही जानना चाहते हैं, जहाँ पे हैं, होंगे तो बिहार के ही होंगे, बिहार के किसी न किसी गांव से ही होंगे, किसी पंचायत से ही होंगे। जो भी हो रहा है ना, सब ठीक ठाक हो रहा है। जो भी हो रहा है ठीक ठाक? हाँ, सब, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कीजिएगा, जो जीतेगा वही सिकंदर होगा, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? कौन जीतेगा? जो बोल सकते हैं, जो जीते, जीते आरजेडी जीते या कोई भी जीते, किसी को तो एक को जीतना ही है। हाँ, चाहे एक ही ने जीते, एक जीतेगा तो जिसको हम जिताएंगे वही जीतेगा, वही जीतेगा। हाँ, आप किसको जिताना चाहते हैं? किसको जिताना चाहते हैं? वो तो बताएंगे उस टाइम ना, अभी वक्त बताएगा। हाँ, वक्त बताएगा, अभी कैसे हम बता सकते हैं कौन जीतेगा। अच्छा, वर्तमान के जो एमपी साहब हैं, तो अभी तो मतलब की संतुष्ट है कि नहीं, उनके काम काज से कितना संतुष्ट है? सब पूरा संतुष्ट है। हाँ, सब संतुष्ट है, सिर्फ महंगाई है बहुत। महंगाई कम होना चाहिए। महंगाई बहुत है, बहुत है। उससे उसको कम करना चाहिए, कम करना चाहिए। चलिए, हर चीज में, हर चीज में जाता है। अच्छा, और आपको क्या क्या चीज दिखा, जैसे कि आपने बोला कि महंगाई बहुत, अच्छा आपने बोला कि महंगाई बहुत है, महंगाई के सिवा आपको क्या मतलब की लगा ये चीज नहीं होना चाहिए या यही होना चाहिए? नहीं, जो अच्छा सबको लगना चाहिए वो होना चाहिए। तो आप अपना व्यक्तिगत राय देना चाहेंगे कि जैसे कि महंगाई है, ठीक है, जैसे कि हो गया विकास, डेवलपमेंट, ये चीज, जैसे कि विकास डेवलपमेंट ये तो कहीं कहीं ठीक ठाक चल रहा है, कहीं कहीं तो बिल्कुल ही नहीं है। कितने बच्चे को देखना चाहिए? कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे। 3 बच्चे, मतलब कितने कितने बड़े हैं? एक है 19 साल का लड़का है, 117 साल का लड़की है, एक 13 साल का लड़का है। अच्छा, 3 है। अच्छा, मतलब कि कितने टोटल वोटर हैं आपके घर में? मेरे घर में? हाँ, मेरे घर में अभी वोटर है 2 ही, काहे तो अभी बच्चे का जो है वोटर आया नहीं, 19 साल का लड़का, उसका नहीं बना, अभी नहीं बना, इस साल बन जाए तो बन जाए, अभी चिट्ठी नहीं आया। 19 साल का जो लड़का है ना, अभी उसका नहीं बना। अच्छा, जो आपका बच्चा स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है, वो पढ़ाई ठीक ठाक होता है? पढ़ाई बिल्कुल ठीक चल रहा है, हर जगह पढ़ाई में कोई कमी नहीं है। वैसे बच्चे ना जाए स्कूल वो अलग बात है, लेकिन पढ़ाई में किसी स्कूल में कमी नहीं है, टीचर तो भर गया है हर जगह, टीचर जहाँ 2 लगना चाहिए वहाँ 4 है, तो पढ़ाई में कैसे कमी होगा? बच्चे आएंगे तभी तो पढ़ेंगे, टीचर फुल है, टीचर में कोई कमी नहीं है अभी के दौरान में, पहले जो होता हो, लेकिन अभी टीचर हाई स्कूल में भरा हुआ है, आंगनबाड़ी से लेके जनरल जो भी स्कूल है सब में भरा हुआ है। क्या नाम है? क्या नाम है? देख सकते हैं किस प्रकार जो है सब्जी बाबा बेच रहे हैं, बिका, सब्जी बिक गया। ये भिंडी जो है ये कितना रुपया केजी देते हैं? ये भिंडी ये खराब है, इसको रख दिए हैं अलग को, वो 10 बेचते हैं, वो 25 रुपया 30 रुपया ऐसे, 25-30 रुपया बेचते हैं। अच्छा बाबा, आप तो बहुत बुजुर्ग हैं, आप तो इस दुनिया से गुजरने वाले हैं, आपका अभी लास्ट स्टेज चल रहा है। अच्छा बाबा, अभी आपने मतलब कि हमसे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा तजुर्बा होगा, भाई साहब अगर ऑटो बंद होगा तो ऑटो बंद कर दीजिए ना। जा रहा है। अच्छा, जा रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा बाबा, आप बहुत बुजुर्ग हैं, हमसे कहीं ना कहीं आप बहुत ही सीनियर होंगे, बहुत सीनियर होंगे। अच्छा, अभी अभी जो आपने जीवन में देखा है, पहले के जीवन में देखा या अभी के वर्तमान के जीवन में जो देख रहे हैं, तो मेन जो समस्या है, जो मेन समस्या है, वो किस, क्या समस्या है? समस्या ऐसे है, सब धान है, इलेक्शन का टाइम है, इलेक्शन होगा, सब जनता को जिसका जो होगा उसमें देगा, और ऐसी न होगा, और क्या बात रहेगा। अच्छा बाबा, आप तो बहुत बुजुर्ग हैं, आप पिछले मतलब कि कांग्रेस को भी देखे, काम अच्छा किया कि बुरा किया, जो भी किया, बीजेपी जो है वर्तमान में है उनका भी काम काज देखे, तो आपको दोनों में कौन अच्छा लगा?
अरे अच्छा तो अपना वो भी काम करता है, ये भी काम करता है, सब दिन के लिए जो किया ये किया नहीं किया वही न, और जनता का जिसको भावना होगा जिस पर उस पर लेगा। अच्छा आप यहीं के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाले हैं? हाँ लोकल ही है। अच्छा आपके गांव में क्या समस्या है, मुख्य क्या समस्या है? सब रंग का समस्या है, कुछ उसको भी देगा कुछ उसको भी देगा, देगा देगा तो वो अलग चीज है, मतलब कि मेन जो मेन समस्या क्या है, मेन क्या समस्या है? मेन समस्या ही है जो टिकट देगा। नहीं नहीं आपके गांव में जो समस्या है जैसे कि रोड हो गया, शिक्षा हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, मेन क्या समस्या है? बेरोजगारी हो गया या महंगाई? रोजगारी महंगाई ऐसे से सब चलता है, ऐसे महंगाई तो चलवे करेगा। महंगाई नहीं है? नहीं है, महंगाई काफी है, सब कुछ काले दर बिक रहा है कि कोई लड़म है थोड़ी। चलिए एक और है बाबा है, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। हाँ ये हमरे पकड़ लिए गए वोट, हम लोग दोगे लालटेन छाप को, लालटेन छाप को। अच्छा चलिए ये एक देखिए, अपना हर एक व्यक्ति अपना मत रख सकता है, इसमें मत रखने में कोई दिक्कत मत नहीं है। सुनिए ना, जो काम किया है मोदी एक को काम ठीक नहीं है, किसी को कुछ नहीं दिया है, वही चावल जो है ना पुराने चावल है, सोनिया गांधी का चावल है, समझे ना, वो तो फ्री कुन अपना अपना अति दरमाहा से देता है, वो भी कोष है उसका। हमसे पूछिए ना, हम भी रिटायर हैं, जाइए अब हो गया जाइए। अच्छा क्या नाम, नाम क्या है आपका? ये अब्दुल मजीद है, पामा घर है, पामा घर है। आपके घर में कितने वोटर है? हमारे घर में कम से कम 12 ठो है, 12 ठो है। अच्छा अभी जैसे कि आपने बोला कि बहुत बीजेपी ये है फलना चिलना है, ऊंचे हमको कोई बीजेपी थी जी, हम अभी महंगाई है पूरा। अच्छा एक बात बताइए बाबा, अभी जो जो मुख्य समस्या है आपकी घर की समस्या हो चाहे पंचायत की समस्या हो, मुख्य क्या समस्या है ये बात बताइए? मुख्य क्या है अभी जो है ना, अभी जितना दाम बढ़ा है ना खाद वूद का, मत पूछिए, देखिए ना ये प्याज सरल मिलता है 20 टका किलो, 20 टका किलो, 25 टका किलो। अच्छा कौन जी, अरे मिलता हटिया पर चलो जी, तुम चलो ना यहाँ, तुम क्या है? तुम बोलना, हम बोल रहे हैं अभी। हाँ नहीं बात कर रहे। अच्छा क्या मुख्य समस्या है, यही आप महंगाई की बात करें? महंगाई ये तो है, महंगाई के अलावा और क्या समस्या है? और क्या समस्या, और कुछ नहीं। शिक्षा की समस्या नहीं? हाँ शिक्षा तो कुछ हुआ है, लेकिन ये जो था ना नीतीश कुमार, वो कुछ गड़बड़ा दिया था। हाँ लेकिन मेन समस्या यही है, शिक्षा तिक्षा चलता है किसी तरह। अच्छा आप लोग जो वोट करते हैं तो किस, आप मान लीजिए सपोज डेट आप बोले कि हम आरजेडी को वोट करेंगे, ठीक है, तो मतलब कि आरजेडी को वोट करेंगे तो मुद्दा क्या, चुनावी मुद्दा क्या बनाए हैं? जो एक चुनाव का मुद्दा होता है कि महंगाई जैसा कि आपने बोला और बेरोजगारी, जो क्या समस्या, मेन समस्या क्या है? मेन समस्या नहीं समझे, 10 साल रहा ना सरकार मिला जुला के भी है, कांग्रेस भी मिले जुले के चला रहा है 28 पंचायत, लेकिन ये जो एनडीए है ना, कहते एनडीए ना, ये बहु ये जो 10 वर्ष चला ना, बहुत खतरा कर दिया, एक कोठो पैसा नहीं दिया, सब टका तुम मोदी या फलना किसको, अडवाणी तडवाणी के दिया, अडानी है, हाँ अडानी, समझे ना, तो ये सब आपकी समस्या? हाँ हाँ यही समस्या। चलिए जलेगा, क्या बोले बाबा? लालटन नहीं जलेगा, लालटन जलेगा। हाँ अच्छा, यहाँ जलवे करेगा और नहीं, क्या बोले, एक सेकंड में छेद हो गया है, समझ गए, छेद हो गया। हाँ एगो बाबा, एगो बोला एगो बाबा जी बोल रहे हैं कि लालटन चलेगा, आप बोलते हैं लालटन क्या क्या है, सुन रहे समझे, कोई समस्या नहीं, रोड का समस्या है ना, उसका समस्या है कि मोदी समस्या है, इसलिए कि गरीब का विकास कर रहा है, इसलिए वो समस्या है। अभी 5 किलो चावल लेकर आता है, साल में उठाता है वो 6000 टका, तब जाता है उठा लगाने के लिए, तभी मोदी खराब नहीं होता है, नहीं तो ऐसे मोदी खराब होता है। मत है अपना, जिसको इच्छा है वो दे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी का खिलाफ करने से क्या जरूरत है, हमको क्यों करेंगे लालू यादव खिलाफ, क्यों करेंगे उसके खिलाफ, मेरा मत है, मेरा अधिकार है, जिसको होगा उसको हम जाकर दे देंगे। तो आप किनको देंगे?
नहीं, हम किनको देंगे वो क्यों आपको बताएंगे, वो तो मेरा अधिकार। चुनाव चुनाव का क्या मुद्दा रहेगा, क्या मुद्दा आपका पर्सनली? क्या चुनाव का मुद्दा यह है कि अब इस देश को कहां से कहां लेके गया है मोदी। इस देश को कहीं पर नहीं था स्थान, कहीं पर इसको सम्मान नहीं था। इस देश को उठा के वहां से वो ले गया है। तो ये लोग खोजते हैं आलू प्याज का भाव, इसको देश के बारे में है मालूम? देश कहाँ था, कहाँ जा रहा है, सारा चीज से देश मजबूत हो गया है। अच्छा, किस चीज से मजबूत हो गया है बताएंगे, किस चीज? आर्थिक से मजबूत हुआ है, शस्त्र से मजबूत हुआ है, सेना से मजबूत हुआ है। और इतना चीज से तो फिर आप आम नागरिक बोल रहे हैं कि महंगाई, घर घर अभी देखिए बिजली पानी पहुंच रहा है। अभी हम 5-6 लोगों से बात किया, उनका कहना है कि महंगाई बहुत है। क्या इससे पहले महंगाई नहीं था क्या? इससे पहले महंगाई नहीं था? इससे पहले महंगाई था क्या नहीं था तो आप ना बताइए ना सर, ये बताइए ना, आप भी थोड़ी मतलब ऐसा है? आप बोलिए ना, मतलब कि हम तो महंगाई तो ऐसे उतार चढ़ाव होते रहेगा, सरकार किसी का भी हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमको देखना है कि मेरा विकास क्या हो रहा है, शिक्षा कहाँ है आज, उसको देखना है ना सर। ये तो बढ़ते रहेगा, 2-4 रुपए किलो महंगा हो जाएगा, कभी सस्ता हो जाएगा, ठीक है? लेकिन किसी का विरोध नहीं करना चाहिए अपने मुंह से, विरोध नहीं करना चाहिए। अच्छा, इस बार अच्छा दीजिए, ये तो इस बार किसी का अधिकार नहीं है, जिसको है आप उसको दीजिए। अच्छा एक बात बताइए, आप यहीं के लोकल रहने वाले हैं? हाँ, ये मेरा यही। अच्छा, इस क्षेत्र में कितना विकास काम हुआ? क्षेत्र में विकास सर, इस जिस रोड से आप आए हुए हैं ना, इस रोड में इतना इतना बड़ा था खादा, आज बाध बन जाने के लिए, खेर पत्थर जाने के लिए रोड बन गया है। तो विकास तो यही ना है सर। बिजली का कहीं देखते थे लगता था बिजली यही बिजली है, बॉल है, आज घर घर में बिजली है। तो विकास किसको कहते हैं? आज हर एक बच्चा हो, गरीब का बच्चा हो, आके सुबह देखिए स्कूल भरल रहता है, यही सब विकास है सर। बोल रहे हैं कि स्कूल में जो है टीचर भरे हुए रहते हैं, विद्यार्थी पहुंचते नहीं है। उससे पूछिए ना, उसका विद्यार्थी स्कूल आता है तो पढ़ता है कि नहीं, जो ऐसा बात बोल रहा है। आज यदि नहीं पढ़ता है तो क्यों भेजते हैं स्कूल? चलिए, युवा है, हम सबसे पहले युवा से बातचीत करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? योगेंद्र कुमार शर्मा। क्या नाम है? योगेंद्र कुमार शर्मा। योगेंद्र कुमार शर्मा जी, बताइए इस बार चुनावी मुद्दा क्या रहेगा, क्या सोच के आप लोग वोट करेंगे और चुनाव का मुद्दा क्या बना है? हम लोग अभी कोई विचार नहीं किए हैं। विचार ही नहीं किए हैं? 2 चरण इलेक्शन हो चुकी है, अभी जब तीसरे चरण में अपना लोग देंगे, कुछ ना कुछ बनाए होंगे ना? हम लोग तो बीजेपी का सपोर्ट है। बीजेपी का सपोर्ट है? क्यों बीजेपी का सपोर्टर है? अच्छा किया है। क्या काम अच्छा किया, कुछ बताएंगे? शिक्षा में मतलब अच्छा ही किया है, रोड शिक्षा में अच्छा किया, शिक्षा में विद्यार्थी को पढ़ाई मिल रहा है, खाना मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। अच्छा, तो मतलब की तो इस बार भी उन्हीं को देना है? उन्हीं को देंगे। अच्छा अच्छा, आप लोग जो चुनाव करते हैं तो क्या पार्टी के वोट देते हैं या को देख के वोट करते हैं? क्या पार्टी को देख के वोट नहीं करते हैं, सांसद को देख के वोट करते हैं, आदमी को देख के वोट करते हैं, कौन का करने वाला है, क्या करने वाला है। अच्छा, आप वोट गिराते हैं? उमर ने हुआ है। अच्छा, नारायण यादव। अच्छा, नारायण यादव, क्या किधर हवा बह रही है इस बार? हम उतना घूमते फिरते, हम कोई हवा का टेर नहीं रहते हैं, हम नहीं कहीं जाते हैं, अपना पैसे घूमते फिरते। क्या क्या नाम का? हमारा नाम धर्म यादव हुआ। हमारा नाम धर्म यादव। तो इस बार जो है मधेपुरा लोकसभा में किधर हवा बह रही है? देखिए, मधेपुरा लोकसभा का जब बात करते हैं ना, सांसद जब जीत कर जाता है, यहाँ जो आदमी बोलने से पूछिए तो कब आया है 5 साल में, एको बार आया हमारा चौक पे? नहीं आया है। पूछिए तो, एको बार आया है? नहीं आते। 5 साल में जब उन देखे थे इलेक्शन का टाइम में, उनका बात एक बार सुने हैं जो गया है इलेक्शन का टाइम में, तो उनका काम काज से आप लोग संतुष्ट नहीं है या घूमने के लिए नहीं? आदमी से नहीं, अगर देखिए हम पार्टी आधार पर नहीं बोलते हैं, मान के चलिए मोदी का काम किया, उनका वोट मिलवे करेगा, जिस पार्टी को टिकट दिया हुआ था 5 साल में को बार पंचायत। इस बार चुनावी मुद्दा क्या बना है, क्या मुख्य क्या मतलब की क्या क्या बताएं? मान के चलिए मजबूरी में तो अब वोट तो पार्टी आधार पे देवे करेंगे, ठीक है मोदी को, लेकिन जिसको टिकट देता है वो आदमी 5 साल में को बार सर जमीन पे नहीं आता है, ठीक है? किसी आदमी से पूछिए, उसिंगे है उनसे पूछिए अगर आता है। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग का क्या मेन समस्या क्या है? क्या मेन समस्या वही पंचायत की, आपके जिला की क्या समस्या है, मुख्य क्या समस्या है? समस्या हम बताए ना, समस्या अगर आप है मान के चलिए प्रतिनिधि, आपको प्रतिनिधि नहीं आ रहे हैं, वो समस्या तो चलिए हो गया, एक समस्या हो गई, दूसरी क्या समस्या है?
दूसरा आप क्या पूछने के लिए चाहते हैं? समस्या तो बहुत प्रकार का, ना बहुत प्रकार, जो जमीन समस्या उस समस्या की बातचीत हम कर रहे हैं। देखिए हमारा मकसद यही है, जो पंचायत में चाहे जिला में जो मुख्य समस्या है उस समस्या पे हम बात करना चाहते हैं। आखिर देखिए चुनाव के समय में होता है क्या, हर एक पार्टी जो अपना अपना मतलब की बोलती है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, बहुत सारा वादा करते हैं, तो जो वादा किए थे वो वादा पूरा किए हैं? कुछ हो न, इससे पहले रत्न सदा हम लोग का विधायक है, हम लोग का घर का नजदीक हमारा घर 6 नंबर वार्ड हुआ पामा, वहाँ पे एक ठो पुलिया बनना चाहिए, पुलिया अभी तक नहीं बना गया, सब इलेक्शन में हुआ ना, ये समस्या हुआ ना आपके गांव में। इलेक्शन के टाइम में किसी आदमी से पूछिए, कोई भी कार्ड से आप पूछ लीजिए जाकर के, सबको बताएगा ठीक है आपकी बार बना देंगे, आपकी बार बना देंगे, जब इलेक्शन समाप्त हुआ तो अपना घर गया। चुनाव के समय में ही वादा करते हैं, वादा निभाते नहीं। और कुछ ये जो हर एक 5 वर्षीय वहाँ आदमी मरता है, हर एक साल जहाँ पर पुलिया का बात करते हैं हम लोग, वहाँ हर एक साल दो पर के मरता है आदमी। अच्छा, तो समस्या समस्या है। तो अच्छा, आपके घर में कितने वोटर है? 15 वोटर है। 15 वोटर है सर? अच्छा, तो 15 वोटर जो है एकदम, तो तब कंटिन्यू है, यहाँ पर है हम लोग तो। अच्छा, किनको इस बार जो है एकदम चेहरा किसको बनाना है? अब क्या बताए हम आपको, खुल के बता दीजिए ना। देखिए जानना चाहती है हम लोग पब्लिक ओपिनियन। केंद्र के लिए मोदी ठीक है, केंद्र के लिए हम यादव हैं इसलिए कोई नहीं है, केंद्र के लिए वो ठीक है, पर जो उनको जिसको टिकट देता है यहाँ पर वो कोनो लायक का आदमी नहीं है, चाहे विधायक हो या सांसद। अच्छा, इस क्षेत्र में MY का जैसे कि समीकरण होता है कि MY जो है वो लालटेन छाप को देते हैं, ऐसा कुछ बात है क्या? हो कोनो नहीं है, जिसको जहाँ मन है वही, जिसको जहाँ मन होता है। अच्छा, ये देख सकते, देखिए महंगाई, इस वोट तो पड़ेगा लालटेन में, क्यों तो वादा करके तो दोनों चले गया, दोनों को तो देख लिया, अब नवका चेहरा को देखना है ना, नया चेहरा को बनाना है इस बार। हाँ, हम लोग को यही सोच है ना। अच्छा, अब देखिए 1 से 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, नया चेहरा में कौन है? कौन है ठीक है, कौन है नया चेहरा? देख लेंगे, बताइए ना कौन है नया चेहरा, कौन है नया चेहरा बताइए ना। अरे बोल दीजिए ना, हम नहीं जानते हैं, हम नहीं जानते, बोल दीजिए ना। कह सकते, कह नहीं सकते, कह नहीं सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हर एक इंसान से हम बात किए तो कुछ ना कुछ समस्या होती है। चलिए यहाँ पे आइए, अरे आइए, आइए नीचे 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 उतरिए, उधर पानी उनी एकदम चल रहा है। क्या नाम है आपका? आप देखिए युवा हैं, देखिए हम खास करके युवा, बुजुर्ग तो गुजर चुके हैं, उनको क्या लेना देना, सत्ता में कोई रहे, सत्ता में कोई परिवर्तन हुआ ना हुआ, समाज किस तरह चल रही है नहीं चल रही, लेकिन युवा को सबसे बड़ी चीज है, युवा को सोचना पड़ता है, क्योंकि आप हैं, आपके बच्चे हैं, आपका भविष्य अगर खतरे में है तो ऐसा बात नहीं, आपके बच्चे के भविष्य भी खतरे में होंगे। नाम क्या है आप? सुधांशु सिंह। सुधांशु सिंह। अच्छा सिंह जी, एक बात बताइए, इस बार चुनावी मुद्दा क्या बनाया है? आप युवा हैं, देखिए युवा की तरह कहीं ना कहीं अपना बात को रखिएगा, क्या चुनावी मुद्दा क्या बनाया है, क्या चुनाव का मुद्दा रहेगा? जैसे कि जो मुद्दा होती है, जैसे कि शिक्षा हो गया, बेरोजगारी हो गया, महंगाई हो गया, बहुत ऐसे मुद्दे हैं, ठीक है। आम देखिए बहुत लोग हैं कि सोचते हैं चलो भाई पार्टी के हिसाब से वोट दे दो, चेहरा देख के वोट दे दो, लेकिन आप क्या सोचते हैं, आप क्या चीज देख के वोट करते हैं, पार्टी के, पार्टी को देख के वोट करते हैं या विकास के तौर पे वोट करते हैं? विकास के तौर पे वोट करते हैं, विकास के तौर पे। तो अभी जो वर्तमान के MP साहब हैं उनके काम काज से आप लोग कितना संतुष्ट हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा काम किए हैं। बहुत अच्छा MP साहब काम किए हैं कि मोदी साहब काम किए हैं? मोदी साहब के, मोदी साहब। अभी मतलब कि MP साहब से संतुष्ट नहीं है, ये देख सकते हैं युवा है फिर भी राजनीतिक से उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये देखिए RJD खा लिए भाई साहब, टिकट है। एक बार है आप मोदी सरकार जो बोला हम दुगुना आय करेंगे, क्या अभी तक जनधन योजना में अकाउंट में हम पैसा देंगे दिलाया अभी तक? हाँ, क्या बार संसद बन के आता है तो दिनेश चंद्र यादव बन के आता, पामा में सगरे जगह दिया है लाइट, हाई लाइट, पामा में क्या ठो लाइट दिया है? एको अगर लाइट नहीं दिया, नहीं दिया है, एक भी लाइट नहीं दिया, बोले नहीं। पामा में किशनपुर पंचायत है, पामा पंचायत है, पामा है उसका नहीं है संसद क्षेत्र है कि नहीं, सोफी बताइए है तो आते हैं कि जिस मीडिया वाला जितना आता है ना खिद हवा उड़ाने के लिए आता है, हवा नहीं, जो आप वही हवा उड़ेगा करता है, दूगो उंगली से नहीं होता, जब वो अपना पत्नी को नहीं चला सका तो देश को क्या चलाएगा, देश को नहीं चला सकता, नहीं चला सकता। अच्छा। आज जो गरीब आदमी जाता है पंजाब 300-200 में जाता था पंजाब, अब कितना जाता है आप भी बता, तो महंगाई अभी है या नहीं? महंगाई है, पूरा महंगाई, पूरा ही महंगाई है,
पूरा महंगाई है। जो बेरोजगार अभी इतना इतना बच्चा है, ये सब बेटा ये सब पढ़ेगा लिखेगा, इसको अगर इसको देखेगा इतना जो जनरेशन है, ये बच्चा का अगर देगा कहीं स्कूल देगा व्यवस्था देगा तो बच्चा सुरक्षित रहेगा। बच्चा तुम लोग स्कूल जाता है पढ़ने के लिए? जाता है। क्या को जाता है पूछिए? स्कूल में क्या देता है? चावल देता है, चार साल का सरा हुआ बच्चा खाता बीमार होता है, चार साल का सरा हुआ चावल देता है, मिलता है वही चावल मिलता है। आप स्कूल कभी विजिट किया? हम विजिट किए हैं, एक बार नहीं कई बार विजिट करते हैं, कहते भी हैं जब जाते हैं तो सही चावल, उसके बाद फिर वही चावल। हम मेरा बच्चा जब अगर खाना खा लेगा, वो बीमार पड़ता है तो उसका टेस्ट करवाते हैं तो पता वही चलता है। कोटा में जो चावल देते हैं 5 किलो का लिख के दिया, वहाँ 4 किलो देता है क्या? तो बोलते नहीं तो आप उसका, जब सरकारें चोर है तो पब्लिक क्या करेगा? हम बोलेंगे तो हमको 5 किलो दे देगा, वो बच्चा उसको मुंह बोली ना उसको नहीं देगा। बताइए आपको हम ये बात कहते हैं, कहीं हर एक जगह घोटाला होती है क्या? हर जगह घोटाला होता है, हर जगह घोटाला होता है, हर जगह होता है। अच्छा, मतलब अगर अगर एक मेरे बात सुनिए, मेरा घर में आग लगी हो गया, वहाँ गए उसके पास, बोले सर क्या मेरा आग लगी है, खाने का व्यवस्था नहीं है। पूछिए यहाँ समाज में जितना पूछिए, सही बात है गलत बात है? अगर वहाँ सहारा नहीं हुआ तो आरजेडी ही सहारा हुआ, आरजेडी ही सहारा हुआ, तो बताए किसको हम वोट देंगे? तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि हम बीजेपी को वोट करेंगे, कुछ लोग मत का अधिकार है, हम किसको देंगे वो आपको भी नहीं बता पाएगा, क्यों? क्योंकि इसमें दिक्कत है। अच्छा, आप गमछी लगा के घूम रहे हैं एकदम। अच्छा, एक बात बताइए, इस बार चुनावी मुद्दा मतलब कि क्या रहेगा? मैं तो आप लोग जो वोट करते हैं तो चेहरा देख के वोट करते हैं या विकास के तौर पे वोट करते हैं? विकास के लोग हम लोग के तरफ वोट करेंगे, जो विकास करेगा उसको वोट देंगे। जो वर्तमान के जो एमपी साहब वो नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया है। क्या किया है? किशनपुर में हाई लार्ज देखिए है, पामा में चल के देखिए 14 वार्ड है, क्या गो लाइट है। अच्छा, आपके गांव में, आपके पंचायत, आपके जिला में और क्या क्या समस्या होती है? समस्या है जहाँ वहाँ 5 किलो चावल मिलता है, वहाँ 4 किलो चावल मिलता है, जहाँ स्कूल में खाने का जैसे चावल बढ़िया है वहाँ खराब चावल चलाता है। चलिए बाबा जी आ गए हैं, बाबा से हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है बाबा? हमारा नाम है इंद्रदेव मंडल। इंद्रदेव मंडल, अच्छा, क्या किधर हवा बह रही है? हम लोगों का मोदी का हवा है, मोदी का हवा। हाँ, हम लोग मोदी का वोट देंगे और दूसरा किसी को ना। अच्छा, चलिए युवा भी है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास कुमार है। विकास कुमार, किधर हवा बह रही है, आप युवा है? अब तो देखिए ऐसा है कि हवा अभी क्या बहेगा, जो होगा तो वो हेवे करेगा। तो चुनावी मुद्दा क्या है, क्या मुद्दा बनाया है? सब अभी ठीके है, क्या माहौल है, क्या माहौल, क्या है माहौल, क्या होगा देखेंगे, जिधर करेगा वोट उधर कर देंगे। आप युवा है भाई साहब, आप जिस बोलते हैं जिधर वोट होगा उधर कर देंगे, ये कोई बात थोड़े हुआ, आप युवा है, ठीक है। एक हाँ, जब कीचड़ में सब जाएगा तो हमको कीचड़े में नहीं जाना पड़ेगा, आप ही बताइए। देख सकते हैं युवा है और किस प्रकार जो है बोलते हैं कीचड़ में जाना पड़ेगा, तो सारे लोग कीचड़ में जाएंगे तो हम भी कीचड़े में जाएंगे, माल करेंगे, सारे लोग कुआं में डूब जाएंगे तो आप भी डूब जाइएगा, तो डूबना तो प्रवीण करेगा। ये देख सकते हैं, हालांकि इस पामा के ग्रामीण के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।